अस्सलाम वालेकुम। हम लोग सब एएमयू के स्टूडेंट हैं। मैं सुहेल अख्तर, हमारे साथ है कैमरामैन हाशिम आजमी, इरफान रईस और हमारे साथ है साजिद अली। हम लोग कुछ नजीब के ऊपर बात करना चाहेंगे। जैसे कि आपको पता है 25 दिन से नजीब नहीं मिल रहा है, तो इसके ऊपर कुछ सवाल करना चाहूँगा साजिद अली को। साजिद अली, जेएनयू जैसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से अगर नजीब मिसिंग है, कोई भी स्टूडेंट मिसिंग होता है, क्या आपको लगता है कि स्टूडेंट कोई भी यूनिवर्सिटी में सेफ है? देखिए, स्टूडेंट्स की सेफ्टी का इशू इस कंट्री में पहले से ही रहा है, और अब जो नजीब का इशू हम देख रहे हैं, पिछले 25-26 दिन हो गए नजीब का नामो निशान कहीं नहीं। गवर्नमेंट फेल हो चुकी है उसे ढूंढने में, उसका कहीं नामो निशान नहीं मिल रहा। तो स्टूडेंट्स का इशू जैसे कि बाकी यूनिवर्सिटीज़ में हम देख रहे हो, महमूला का इशू है या उससे पहले कश्मीर के इशूज़ जो है उनके स्टूडेंट्स के साथ जो ज्यादतियाँ होती रही हैं, तो इशू शुरू से रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता, इन सब हादसात के बाद देखने के बाद मुझे कहीं भी नहीं लगता कि गवर्नमेंट जो है वो इन स्टूडेंट्स को सेफ्टी दे पा रही है, और मुझे नहीं लगता कि किसी भी यूनिवर्सिटी में, किसी भी स्टेट या सेंट्रल यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट सेफ हैं। दिल्ली पुलिस ने जो नजीब के अम्मी और बहन के साथ किया और बाकी जेएनयू के स्टूडेंट को घसीट के लेके गया, क्या आपको लगता है किस हद तक वो सही थे? देखिए, अगर सच कहूँ तो जब मैंने कल वो फुटेज देखी, जब मैंने कल वो वीडियोस देखी, तो मुझे पहली सेंस में यही लगा कि ये आरएसएस के भेजे हुए गुंडे हैं, आरएसएस की चड्डी पहने हुए कुछ लोग हैं जो नजीब की माँ के साथ या जेएनयू स्टूडेंट्स के साथ इस तरह पेश आ रहे हैं। मगर मुझे बड़ा ही अफसोस हुआ, मुझे रोना सा आया कि जब मैंने ये देखा कि ये दिल्ली पुलिस है और ये उस कंट्री की पुलिस है जो ये क्लेम करती है कि वी आर द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, और ये बहुत ही जो है इंडिया के लिए एक शर्म की बात है और इंडियन गवर्नमेंट के लिए एक शेमफुल एक्ट है जो हमने कल देखा। साजिद अली, आप ये बताइए कि मोदी का क्या एक्शन रहा होगा और उनको क्या एक्शन लेना चाहिए नजीब के ऊपर? देखिए, मोदी का कोई भी एक्शन नहीं रहा और क्या एक्शन होना चाहिए मोदी का, तो वो एक्शन होना चाहिए कि जो एक बाप का अपने खोए हुए बेटे के लिए होता है, जो एक बाप का अपने जो है अपने लगते जिगर के लिए होता है, जो हमने मिस किया। शायद इसकी वजह यही रही कि नरेंद्र मोदी का खुद का कोई बेटा नहीं है, इसलिए वो एक बाप का दर्द नहीं समझ पाए, इसलिए वो एक माँ का दर्द नहीं समझ पाए। तो नरेंद्र मोदी के लिए ये शर्म की बात है कि नरेंद्र मोदी अपने आप को देश का प्राइम मिनिस्टर कहते और कहते कि देश में हम अच्छे दिन लाएंगे, तो ये कंडीशन आ पहुंची हैं कंट्री में कि वहाँ पे जो है वो स्टूडेंट्स भी सेफ नहीं है। तो ये पूरी कंट्री के लिए एक, मैं कहता हूँ कि बहुत ही शर्म की बात है जो नरेंद्र मोदी खामोश रही से। एएमयू का क्या रोल रहा होगा, क्या आपको लगता है कि नजीब की माँ को इंसाफ मिलेगी? देखिए, नजीब की माँ को इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा ये तो मैं नहीं कह पाऊँगा, क्योंकि ये मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट को जिस तरह से इन्वॉल्व होना चाहिए उस तरह से हो रही है। रही बात एएमयू की, हमने कल देखा कि एएमयू के लगभग 75 स्टूडेंट को डिटेन किया गया, यहाँ से वो दिल्ली प्रोटेस्ट करने के लिए गए और पुलिस ने उन्हें डिटेन किया। तो ये सिर्फ 75 स्टूडेंट थे, मैं कहता हूँ कि अगर जल्द अज जल्द नजीब को नहीं ढूंढा गया, नजीब को बरामद नहीं किया गया, तो मैं कहता हूँ कि एएमयू, जेएनयू, डीयू या बाकी यूनिवर्सिटीज़ या जामिया मिलिया इस्लामिया, तो मैं कहता हूँ कि बाकी को तो मैं ये नहीं कह सकता, मगर एएमयू ताले लगा के अपने 30,000 स्टूडेंट्स को लेके नजीब को ढूंढने निकल पड़ेगी, तो फिर आप देखिएगा कि इंसाफ मिलता है या नहीं मिलता है। चलिए साजिद भाई, बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके।